निमोनिया के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाई, टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण किट और अभ्यारक ऑक्सीजन संयंत्र, वेंटिलेटर की कार्यक्षमता और स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर संक्रमण नियंत्रण प्रथाएं शामिल हैं। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के प्रचालन दिशा निर्देश लागू करेंगे। जिला और राज्य निगरानी द्वारा सरी के रुझानों की बारीकी पर निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी को लेकर हमेशा इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया, सार्स कोवी जैसे सामान्य कारण होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखा है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी मांगी है। रहस्यमय बीमारी के चलते चीन की राजधानी और उससे करीब 800 मीटर के दायरे में सभी अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग के एक अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। प्रोमेट नाम के एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों को लेकर जानकारी देता है। प्रोमेट ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। प्रोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया। प्लेटफॉर्म ने ये भी नहीं बताया कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी चपेट में ले रही है। WHO ने बीमारी की जाँच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। वहीं लोगों से कहा है कि वो मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। WHO ने फिलहाल रहस्यमय बीमारी के महामारी होने की कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने ये भी कहा है इसे महामारी कहना गलत और जल्दबाजी होगा। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान 0 डिग्री के करीब पहुँचने की संभावना है।